सुमित जी तैयार हैं आप जी? अनिल जी यस। होली खेलने के लिए? होली खेलने के लिए भी और किसी को खिलवानी भी है। अरे वाह, कौन है आपके निशाने पर बताइए। अनिल जी देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो होली स्पेशल में किसे तो किसे में आएगा सिद्धार्थ सैदानी। हाँ। और किसके साथ खिलाना है? हाँ। तो अनिल जी पूरे पूरे पैनल के साथ साथ खिलवाना है। ओके। क्यों? क्योंकि अनिल जी इन्होंने जो जर्मनी का गाजर दिखाया है वो सबके दिल लॉलीपॉप अनिल जी वो सबके दिल पे एकदम बहुत गहरा घाव कर चुका है। हाँ। तो इनको होली पे बुलाना है, पूरे पैनलिस्ट के साथ खिलवाना है और ऐसी होली खिलवानी है कि यहाँ तो ये जर्मनी लेके जाए। हाँ। या दोबारा जिंदगी में जर्मनी का नाम नहीं ले। ऐसी होली मतलब कैसी होली? ऐसी होली मतलब अनिल जी सब पैनलिस्ट अपने दिल की पूरी बड़ा पूरा मन की जो इच्छा है, क्योंकि मैं देखता हूँ अनिल जी हर दूसरे शो में राकेश जी, कुणाल जी, संदीप जी कोई ना कोई जर्मनी का नाम ले लेता है। जर्मनी का इतना नाम जिंदगी में नहीं लिया होगा जितना हम लोग ने पैनल पे ले लिया होगा। तो यानी सबके दिल पे घाव कर चुका है जर्मनी। तो इनको लेके जाना पड़ेगा या फिर इनको होली के अंदर पूरा मजा चखाना पड़ेगा। मैं आइडिया दूं कैसे खिलाई जाए होली इनको? बताइए बताइए अनिल जी। सब लोग मिलके एकदम रंग लगाओ काला। सिद्धार्थ जी का मुंह काला किया जाए क्योंकि हमें जर्मनी नहीं ले जा रहे हैं। जर्मनी जाएंगे। रुको देखो अभी तो खाली प्लान किया उसमें ये हाल है। जी कुणाल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए अनिल जी काला रंग पुराना हो गया। आजकल जो सबसे ज्यादा अनिल जी सॉलिड रंग है वो है गोल्डन या सिल्वर कलर। अच्छा। सिल्वर कलर मेटालिक अगर इनके ऊपर लगा दिया जाए अनिल जी। हाँ। तो अनिल जी कुछ दिन शो से भी छुट्टी लेनी पड़ जाएगी सिद्धार्थ जी। अच्छा जल्दी उतरता नहीं है? ओके। जी अनिल जी और बिल्कुल मेटालिक लगता है अनिल जी। अच्छा चलो कहाँ गए सुमित जी? हाँ सुमित जी आप बड़ा जर्मनी के चक्कर में पड़े हो, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी आपकी, अभी भी उम्मीद कायम है जर्मनी। अच्छा जर्मनी आप जाना चाहते हैं? अनिल जी वो अभी भी बोल रहे हैं मैं जर्मनी लेके जाऊंगा। अनिल जी वो मतलब वो छोड़ ही नहीं रहे कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। आप भी हर दूसरे दिन बोलते हैं हाँ मैं लेके जाऊंगा। जी सिद्धार्थ जी बताइए जवाब दीजिए। जी सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अनिल जी सुमित जी को यही कहूंगा जरूर जाएंगे, महंगाई वहाँ पे बहुत ज्यादा है, आप अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, सस्ते हो जाने दे दाम वहाँ पे, हम जाएंगे। और दूसरी बात कुणाल जी ने कहा गोल्ड सिल्वर का रंग, अनिल जी गोल्ड सिल्वर का रंग लगा रहे हैं, सच है गोल्ड सिल्वर दे दे जल्दी पहुंच जाएंगे हम सब। ये लो आपको खर्चा करना है इसके बजाय दूसरे का करवा रहे हो। अच्छा एक मिनट मैं एक टेस्ट लूंगा कि सुमित जी जर्मनी जाने लायक है कि नहीं। सुमित जी बताओ जर्मनी के रंगों का त्योहार है ना ये होली, तो बराबर है जर्मनी के झंडे का रंग बताओ। अरे अनिल जी मुझे जर्मनी घूमने अरे सुमित जी आप तो अच्छा गलत बता देते तो हमें कौन सा पता चलता, हमें कौन सा मालूम है। तो, सुमित जी ऐसा दो जगह फेल हो गए, पहला तो जनरल नॉलेज में इनको जर्मनी के रंग का झंडे का रंग पता नहीं है, दूसरा आईक्यू लेवल में जीके में भी फेल, आईक्यू में भी गलत बता दे कौन सा पता चलता। सुमित जी तो जर्मनी जाने में दोनों में फेल, जीके में भी आईक्यू में भी। या हाँ कौन कौन कह रहा है बीच में? जी जय जय कुछ कहना चाहते हैं? जय बोलिए। अनिल जी जैसे अपने आप रंगों से होली खेलते हैं ऐसे अनिल जी वो एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें टमाटर से होली खेलते अनिल जी। हाँ। तो टमाटर से भी सिद्धार्थ के साथ होली खेल सकते हैं अनिल जी। टमाटर दिखाइए जर्मनी ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे, और बोरी बोरी टमाटर लेके जाएंगे हम। वो होली नहीं खेलते कि कैसे जर्मनी नहीं ले जाते। अरे भाई अगर जर्मनी नहीं लेके आते फिर भी उसको होली नहीं कहते। जय सुमित जी वो टमाटर कविता बना सकते हैं, या तो ले जाए जर्मनी। ना 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 गलत समझे आप, वो टमाटर की होली नहीं कहते। जब आपकी टिप कोई खराब हो जाती है या जैन साहब की तरह आप कोई कंसर्ट में गाना बजाते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आता है तो वो टमाटर मारते हैं, वो होली नहीं होती। उसके साथ में बीच में कई कई अंडे भी आते हैं, पुरानी सब्जियां भी आती है, दोनों में फर्क है होली में। उसमें आप दोनों को मिक्स मत करो। उसके साथ खेल सकते हैं। जी बंसल जी उसके साथ खेल सकते हैं जी। अच्छा बंसल जी, जी बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी अनिल जी मैं कह रहा हूँ अनिल जी ये आपका सवाल गलत है अनिल जी, झंडे का रंग पूछ रहे हैं अनिल जी। अगर सुमित जी और हम लोगों को झंडे के रंग मालूम होते हैं बाकी देशों के तो यहाँ थोड़ना होते हैं अनिल जी फॉरेन एम्बेसडर वगैरह बने घूम रहे होते हैं और कहा प्रधानी जी के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं कि जर्मनी ले जाओ, क्योंकि अनिल जी पूरा विश्व घूम लिए होते। अरे तो मालूम होना जरूरी थोड़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ऐसे बोलो कि तीन कलर धड़ाक से बोल दिए,
कि कोई जब तक गूगल करे तब तक अगले एक्सपर्ट पे पहुंच गए, बात खत्म। बाद में क्या कर लेंगे, बोलेंगे अच्छा मैं बताऊं सिंपल सॉल्यूशन क्या करना था सुमित जी को, कुणाल जी की शर्ट में वो तीनों कलर है जाओ, या हमारे जैन साहब के साफे में से ले लो तीन कलर, वो जर्मनी के जैन है। सिंपल, ये आईक्यू लेवल कुणाल समझो बंसल जी, आईक्यू लेवल आपका और सुमित जी का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है, किसका सबसे ज्यादा कम है। तो चलिए बंसल जी सोच रहे मैं रेस में सबसे नीचे कैसे ना रहूं, इस चक्कर में बंसल जी भी लगे हैं।